हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एक्जोटिक वर्ल्ड फॉर यू में आपका स्वागत है। आज मैं अपने कॉन्यूर को रिंग पहनाने वाला हूं, जिसके लिए मैंने 25 रिंग सैंपल की बनवाई हुई है। कट रिंग पहनाने का जो एप्लीकेटर आता है वो भी मंगवाया है, और हैंड फिटिंग के लिए फीडर स्पून जो स्पेशली बनाते हैं, और ट्रेनिंग विसल और ब्रास के अंदर मिक्स कलर में मैंने रिंगे बनवाई है। कुछ कट रिंगे, कुछ क्लोज रिंगे। और ये जो एप्लीकेटर है ये भी स्पेशली मैंने सूरत से मंगवाया है। ये वहाँ का सिंबल है, ये किसी और जगह पे नहीं मिलता। इसको कुरियर से मंगवाया मैंने। ये फ्रीडर स्पून है, और ये मिक्स कलर में जो रिंगे हैं वो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, जिस पे मैंने सीरियल नंबर रखवाए। कौन सा मटेरियल सर? ये ब्रास में है। इसमें 6 अल्फाबेट और 3 नंबर्स तक के रह सकते हैं। कलर कोटिंग पे लेज़र पेंट की हुई है, आप देख रहे हो कितना अच्छा सा दिख रहा है। FK4UST सुपर टैम 31। ये जो है क्लोज रिंग है, जो चिक को पहनाई जाती है। 15 दिन से 20 दिन के अंदर का चिक जो है उसे क्लोज रिंग ही पहनाई जाती है, और बड़े बट्स को, बड़े कॉन्यूर को आपको कट रिंग पहनाना है। ये क्लोज रिंग है जो अभी आपके सामने दिख रही है, 34 नंबर, काफ़ी अच्छी प्रिंट है, लेज़र प्रिंट है, और लेज़र प्रिंट है और कोटिंग है कलरिंग। इसमें SS ब्रास और एल्यूमिनियम में बनती है। अभी हम चेक करते हैं ये कलर कैसे लग रहा है। कलर ग्रीन कलर, हाँ अच्छा लग रहा है इस पर। नहीं, ग्रीन तो मैच हो जाएगा, अच्छा दिख रहा है लेकिन इसका। हाँ, कलर्स तो सभी अच्छे हैं, मेटेलिक कलर है, शाइनी कलर है, अच्छे लगते हैं। ब्लू ले लो। हाँ ब्लू, पहनाते वक्त आपको ख़ास ध्यान रखना है कि एप्लीकेटर में नाखने के बाद डिजिट जो है वो राइट रहे, यानी नीचे की तरफ रहे। इसको काटना पॉसिबल नहीं है, बहुत हार्ड है। ये गोल्डन गोल्डन अच्छा दिख रहा है इसको। एक को गोल्डन पहना देते हैं और दूसरा ब्लू। हाँ ब्लू, ब्लू पहना दो दूसरे को। हाँ, ताकि कलर से भी थोड़ी पहचानो कि एक थोड़ा एग्रेसिव है, इसलिए एग्रेसिव उसको हम गोल्डन पहना देते हैं। ये मेरा फेवरेट है ब्लू। एप्लीकेटर में ये थर्ड में जमा हो, अब ये सेकंड में नहीं। अच्छा, इसके थर्ड में, एक मिनट। हाँ, वो कोका टू का है, इस पर नाम भी लिखे हुए। हाँ लिखे हुए कोका टू, देखो थर्ड पे लिखा हुआ रहेगा, देख लो। हाँ कॉन्यूर। हाँ ये सही है। हाँ यस, उसकी जो स्पेस है वो, हाँ एग्जैक्ट रखनी चाहिए बॉटम। यस, ऐसे ही रखूँ ना। हाँ
ये कट टू कट, ताकि मैं अंदर लेग को आसानी से डाल स... हाँ चेक कर लो एक बार, ये सही हाँ हाँ प्रेस करने पर क्या है, वो तो गैप थोड़ा सी रहेगा जो स्पेशली टेम्परिंग करके दिया हुआ है, ताकि उसका लेग पूरा टाइट ना हो और किसी तरह की इंजरी ना हो। एप्लीकेटर काफ़ी हेल्पफुल है और पहनाना बहुत आसान है इस एप्लीकेटर से। बर्ड्स की जो बोन है वो काफ़ी नाजुक होती है, अगर एक बार इंजरी आ गई तो फिर मुश्किल है, वो उसकी जान ले लेती है। तो आहिस्ता से रखना, हाँ बस आप वहीं रखवा, तो मैं ला रहा हूँ। ये थोड़ा बाइट कर रहा है, काम बे काम काम यस। प्रेस करना, प्रेस कर दूँ इसको। नहीं, ऊपर की तरफ जो है वो नी का एरिया है, थोड़ा नीचे यस, हाँ बॉटम की तरफ अभी यस यस यस। एक मिनट रुको, हाँ, प्रेस कर देना है। एक मिनट, रिंग निकल गई, प्रेस कर रहा हूँ थोड़ा। यस ये ओके, हो रहा है, प्रेस हो रहा है। पूरा प्रेस कर दूँ इसको, हाँ बस इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। ओके, बस वो तो इतना गैप दिया हुआ है ताकि उसको कोई किसी तरह की इंजरी ना हो। चेक कर लेते हैं, सही है ये? यस बस हाँ ये इतना इतना गैप, गैप है? हाँ, बस चलेगा। ओके, इतना गैप रखना ही है, वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा इतना गैप। कुल मिला के आपको रिंग पहनाते हुए खास ध्यान रखना है कि बर्ड्स को किसी तरह की इंजरी ना हो। ये भी मुझे बाइट कर रहा है और थोड़ा सा गुस्से में आ गया है कि आज क्या किया। हाँ इसकी जो ये बोन, हाँ हड्डी जो है, अब ये सीरियल नंबर डीएनए के वक्त भी काम में आता है। और ये देखो सुपर टाइम है, इसको आहिस्ता से छोड़ूंगा मैं। इजी बैठा रहा एंड पे, यस स्टेप अप। ये शौक में आ गया है कि क्या कर दिया मैंने, कैसे देख रहा है? आज देख रहा है ऐसे तुमको। हाँ यस, आर यू, हाउ आर यू, गो। ये गोल्डन को जो पहनाई, इसका कैप्चरिंग नहीं कर पाए। हाँ ये भी फ्री फ्लाई है और दोनों ही चीक मैंने अपने हाथों से बड़े किए हुए हैं।